दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से यह ऐलान जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले किया गया। इसके बाद सियासी जगत से लेकर आम जन तक जननायक को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। पूर्व सांसद और बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से सुनाते हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उनकी बेटी की शादी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए भावुक होते हैं। मैं जब बिहार विधान परिषद दरभंगा क्षेत्र में घूम रहा था तो पितौंजिया होकर के ही जाने का रास्ता था, समस्तीपुर जा रहा था। लोगों की इच्छा हुई कि कर्पूरी जी का घर बगल में है, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेते चले। जब हम लोग पहुंचे हम लोग तो दंग रह गए। पीली धोती का एक फुट ओढ़े हुए और एक फुट पहने हुए वे आखर चौकी पर सोए हुए थे उग्र होकर के, यानी दोनों ठहरा को सटा लिया था उन्होंने। थोड़ी गाड़ी की आवाज सुन के कर्पूरी अचानक उठ गए, हाँ शत्रुघ्न बाबू तथा आजकल उठाए। तो हम लोगों ने कहा विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में हम लोग घूम रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, आप इस तरह से क्यों सोए हुए पीली धोती? तो आज हमारा बेटी के ब्याह थी, यहाँ तो कोई इंतजाम हम लोग नहीं देख रहे हैं। इंतजाम सब कापो भाई, यानी कपिलदेव से उस समय बहुत बड़े नेता थे, वे बिहार सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी संबित सरकार में थे, कर्पूरी जी के विश्वास पात्र थे। उनकी बेटी की शादी का सारा प्रबंध स्वर्गीय कपिलदेव सिंह के द्वारा ही संपन्न हुआ और उस समय जो हम लोगों ने उनकी झोपड़ी के दर्शन किए, एक इधर से कुत्ता प्रवेश किया और पीछे से निकल गया, यानी आगे का दरवाजा पीछे का दरवाजा में कोई अंतर नहीं था और घर पर फूस। इस प्रकार का जीवन मैंने आज तक किसी राजनेता का 80 पार करने के बावजूद और इतने पद पर आसीन होने वाले राजनेता का, इतना क्रांतिकारी सामाजिक न्याय की मशाल जलाने वाला क्रांतिकारी नेता का ऐसा से। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उनसे जुड़े कुछ संस्मरण याद करते हैं, जब कर्पूरी ठाकुर रात भर जगकर न्याय के लिए डटे रहे थे। जब संयुक्त बिहार था, यानी झारखंड सहित का आंदोलन चल रहा था, मैं 6 लाख शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारियों की अध्यक्ष था और अराजपत्य कर्मचारी महासंघ के विभिन्न गुटों के संगठन राज माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जुड़े हुए थे। जब आंदोलन 93 दिन पहुंचने वाला था तो हम लोगों ने उस समय विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय कर्पूरी ठाकुर से संपर्क किया और उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे थे, वे बहुत ही कड़क मिजाज के मुख्यमंत्री माने जाते थे। यूं वे देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन इंटक के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भी धरना प्रदर्शन हड़ताल तालाबंदी करने का विराट अनुभव था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते उनका यह स्वभाव बदल गया। तमाम हमारे नेताओं को केंद्रीय कारा भागलपुर में गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया, मैं अकेले बचा था। कर्पूरी जी की कृपा हुई, उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं, बेसिक फोन था और
उनका आदेश हुआ यहाँ हमारा संचल दुबे जी के बुलाहट। मैंने शर्त दी कि जब तक हमारे नेता जेल से नहीं आएंगे मैं मुख्यमंत्री से बातें नहीं करूँ। और बिहार सरकार का विशेष हेलीकॉप्टर गया, तमाम नेताओं को जेल से छुड़ा करके लाया और भर रात स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर हम लोगों के साथ बैठे रहे। समझौता संपन्न हुआ, हम लोगों की मांगे सभी मांगे प्राय मंजूर। तमाम आलोचनाओं के बाद भी अंग्रेजी को लेकर कर्पूरी ठाकुर के फैसले ने बिहार के बच्चों को बड़ी राहत दी थी। उस समय मैं महासचिव था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। हम लोगों ने मांग की यद्यपि भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की वैधानिक व्यवस्था है, बेहतर होता कि मैट्रिक तक गरीब बच्चे पढ़ लेते आप निःशुल्क शिक्षा कर। ये ऐसे उदार मुख्यमंत्री थे, देश के पहले मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा निःशुल्क कर। अंग्रेजी की अनिवार्यता इसलिए उन्होंने समाप्त किए कि गरीब बच्चे अंग्रेजी जैसे कठिन विषय में उत्तीर्ण नहीं हो रहे थे, वे मैट्रिक तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। यद्यपि उनकी आलोचना हुई, कर्पूरी डिवीजन कह करके लोग आलोचना करते रहे, लेकिन आज जब हम अपने समाज में अंग्रेजी का वर्चस्व देखते हैं तो कर्पूरी जी हमें याद आते हैं। काम को लेकर कर्पूरी ठाकुर की सजगता शायद ही किसी राजनेता में आज देखने को मिले। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एक वाक्य याद करते हैं, उनके डेरा पर जब भी मैं जाता था भीड़ लगी रहती थी, यहाँ तक कि शौचालय में प्रवेश करने के बावजूद लोग मुझसे बातें करते रहते थे, दरखास्त उनके हाथ में देते। एक दिन का वाक्य मैं सुनाऊं, मुझे उन्होंने समय दे दिया कि 9 बजे आप आइए मेरे आवास। लक्ष्मी जी उनके प्रिय थे जो हमारे मंझौर के थे बेगूसराय, जो ही पहुंचे उन्होंने कांधे पर जो गोल गारा पहनते थे, गंजी ये नहीं पहनते थे, मार्किंग का गोल गारा पहनते थे, कांधे पर जनों ले लिया, हाथ में दतमन ले लिया और पोटिको में गाड़ी लगवा दी। हम तो ताजुब कर रहे थे, क्या बात है, हमको बुलाए कांधे ने, चलो चलो बैठू, और गाड़ी में बैठा हम लोग विचार विमर्श करते रहे और गाड़ी फिर लौट करके चली आई जो मुख्यमंत्री का कार्यालय उस समय फोर किंग रोज एवेन्यू कहते थे, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण का कार्यालय था, उनका आवास था, और वहीं बैठकर जो भी तात्कालिक समस्याओं का समाधान था उन्होंने डिक्टेशन दिया, आदेश टंकित हुआ, पथराव दिनांक चढ़ा और मेरे हाथ में। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला न केवल बिहार के लिए गर्व की बात है बल्कि उन तबकों के लिए भी सुकून भरा है जिन्हें जननायक ने मजबूत आवाज दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।